आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 653वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा आज करने जा रहे हैं नीट की जो परीक्षा हुई है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आखिर कब तक विद्यार्थियों के साथ परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ होगा, अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तरह नीट की परीक्षा क्यों नहीं आयोजित की जाती ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कब तक होता रहेगा खिलवाड़, आखिर फूल प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती है सरकार। लिमटी की लालटेन के 653वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मानव शरीर में आई व्याधियों को दूर करने के लिए चिकित्सकों का, वैद्यों का सहयोग आदि अनादिकाल से लिया जाता रहा है। सदियों पहले वैद्य ये काम किया करते थे, इस काम को अंजाम दिया करते थे। महर्षि चरक के द्वारा स्थापित विधियों का लंबे समय से प्रयोग किया जाता रहा है। एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, न जाने कितनी तरह की चिकित्सा पद्धति आज अस्तित्व में है। इन पद्धतियों में सबसे लोकप्रिय आयुर्वेद ही मानी जा सकती है। होम्योपैथ भी लोकप्रिय है क्योंकि इन दोनों के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम ही हैं। हालांकि 70 के दशक के उपरांत अब तक एलोपैथी की ओर ही युवा ज़्यादा आकर्षित होते आए हैं, फिर भी अन्य विधाओं की लोकप्रियता कम नहीं आंकी जा सकती। एक समय था जब मेडिकल में अर्थात आयुर्विज्ञान के पढ़ाई जब विद्यार्थी करते थे तब उसके लिए केंद्रीय प्री मेडिकल टेस्ट CPMT हुआ करती थी, राज्यों के द्वारा अपनी PMT कराई जाती थी। अब इस परीक्षा का नाम बदल गया है, अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के मार्ग प्रशस्त हैं, सुलभ हैं। वैसे तो परीक्षाओं में धांधलियों के आरोप नए नहीं हैं, पर हाल ही में संपन्न हुई नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप जबरदस्त तरीके से लगे हैं। नीट की में जो आरोप लगे हैं नीट की परीक्षा में, वो उसको बहुत हल्के स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं बेस आधार सहित दिखाई दे रहे हैं। इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा जब 4,750 के लगभग परीक्षा केंद्रों में 24,00,000 परीक्षार्थियों के द्वारा नीट की परीक्षा देने के उपरांत 67 विद्यार्थियों ने एक साथ इस परीक्षा में 100% अंक लाकर टॉप किया। इन 67 विद्यार्थियों ने 720 नंबर में से पूरे 720 नंबर लाए हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकता है, पर इसकी गुंजाइश दशमलव के उपरांत जितने शून्य आपको लगाना है लगाकर एक लिख लीजिए और उस जो इबारत होगी आप पढ़ें उसके बराबर ही मानी जा सकती है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के झज्जर, हरियाणा में एक झज्जर के जगह है, उसके आसपास के कुछ परीक्षा केंद्रों सहित आधा दर्जन परीक्षा में, यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा परीक्षार्थियों को 100% अर्थात 720 अंक आए हैं। चमत्कार से कम इसे नहीं माना जा सकता। 100% नंबर एक आध विद्यार्थी के आए तो समझा जा सकता है, मगर 67 विद्यार्थियों के द्वारा अगर एक साथ 100% अंक लाए जाते हैं तो ये संदेह के दायरे में आने वाली बात मानी जा सकती है। इसे विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ से कम नहीं आंका जा सकता है, जो कुछ भी सामने आया हो उसे। इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA पर सवालिया निशान लगना इस सबके चलते स्वाभाविक माना जा सकता है। परीक्षा के दौरान किस तरह की गोपनीयता बरती गई, परीक्षा को किस तरह संचालित किया गया, परीक्षा के द्वारा किस तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए थी और किस तरह की रखी गई, नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क्स आदि कितने और किस आधार पर मिलने थे और कितने और किस आधार पर दिए गए, ये भी एक जांच का विषय माना जा सकता है। अब अगर परीक्षा के उपरांत प्रवेश की हम बात करें
एग्जामिनेशन के उपरांत जब आप उसमें एडमिशन लेने जाते हैं उसकी बात करें तो मेडिकल की परीक्षा में विद्यार्थियों की पहली पसंद एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 67 सीटें हैं, 47 सीटें हैं और 67 विद्यार्थी अगर टॉप किया है उनके द्वारा, तो ऐसे में इन 67 विद्यार्थियों में से किन 47 विद्यार्थियों को एम्स दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा और जिन्हें वंचित किया जाएगा, 47 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 67 कुल हैं, उनके वंचित रहने का आधार का कारण दर्शाया क्या जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। इसे विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ से कम नहीं आंका जा सकता है। दरअसल 47 कुल सीट्स हैं आपकी जनरल की और 67 दावेदार जिनके समान अंक हैं, तब क्या किया जाएगा। वैसे यहां एक बात और है जो विद्यार्थियों के हित में नहीं मानी जा सकती है, वो ये कि वास्तविक टॉपर जो इसमें थे वे इसके सबके चलते पीछे रह गए, बहुत पीछे वाली रैंक पर चले गए हैं। पटना में नीट का पेपर लीक होने की बात भी सामने आई थी, जिस बारे में 4 दिनों तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा पूरी तरह मौन साधे रखा गया। जो पेपर कथित तौर पर लीक हुए थे और सोशल मीडिया पर आए थे, उन प्रश्न पत्रों को वास्तविक प्रश्न पत्रों से मिलान करना बहुत कठिन कार्य नहीं था। यह काम महज 10 मिनट में अंजाम दिया जा सकता था, पर इसे अंजाम नहीं दिया गया। सोशल मीडिया का जमाना है, यहां आप निकालते वहां सारे पेपर्स टेलीक किए जा सकते थे। कमोबेश इसी तरह के आरोप लगभग एक दशक पहले मध्य प्रदेश की पीएमटी परीक्षा के दौरान लगे थे। उस समय कुछ विशेष परीक्षा केंद्रों में, कुछ शहरों के परीक्षा केंद्र ऐसे थे जिनके जरिए परीक्षा देकर विद्यार्थियों के द्वारा प्रवेश लिए जाने के आरोप लगे थे। उसकी जांच बहुत व्यापक स्तर पर, कथित तौर पर व्यापक स्तर माना जा सकता है, पर उसका क्या हुआ अब तक पता नहीं चल सका। इसी तरह मध्य प्रदेश में व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा मंडल, VPPP मंडल जिसे कहा जाता था, उसमें भर्तियों में अनेक गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे, पर सब कुछ जांच के बाद टाइम टाइम फिर होता नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क्स देने के का नाम जिसे दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिन स्थानों पर पेपर देरी से बटा, गलत पेपर बांटा गया, इस तरीके की विसंगति के चलते विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देने के बजाय ग्रेस मार्क्स दिए गए। पेपर अगर देरी से बांटा गया या गलत पेपर बांट दिया गया तो ये गलती किसकी थी? इससे अन्य केंद्रों में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों से इतर ग्रेस मार्क्स इन, जहां पर यह हुआ है, इन यहां परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को देने के क्या न्याय संगत है, ये देने का औचित्य समझ से परे है। हाल ही में नीट UGC परीक्षा 2024 के परिणामों में गड़बड़ी के आरोपों के बीच 4 दिनों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना पक्ष रखा है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार के द्वारा पेपर लीक होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, उनके द्वारा विस्तार से कुछ नहीं बताया गया। सुबोध कुमार के अनुसार सिर्फ 6 सेंटर, आधा दर्जन सेंटर पर ही पेपर विलंब से बटा था, जिसके चलते 1600 परीक्षार्थी ही प्रभावित हुए हैं। इन 1600 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच के लिए एक पैनल गठित किया गया है जो जांच करेगा इनके परीक्षा परिणामों की, और अगर जरूरी हुआ तो इन 1600 विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा में बिठाया जा सकता है। ये सुबोध कुमार के हवाले से बात आई है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। सवाल अब भी यही खड़ा हुआ है कि जब इंजीनियरिंग की परीक्षा JEE, जब इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE सहित अनेक परीक्षाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, ऑनलाइन लिया जा रहा है, तब नीट की परीक्षा को ऑनलाइन के बजाय
ऑफलाइन कराने का क्या औचित्य है। जिस तरीके के आरोप ऑफलाइन परीक्षाओं में लगते आए हैं, उससे बचने के लिए या तो फूल प्रूफ परीक्षा व्यवस्थाएं बनाई जाए या परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन कराया जाना चाहिए। जिन परीक्षा केंद्रों में ये गफलत हुई है और जिन भी परीक्षा केंद्रों के परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन सभी जगहों पर पुनः परीक्षा आयोजित कराई जानी चाहिए। साथ ही विलंब से या गलत प्रश्न पत्र बांटने जैसी घटनाओं या ग्रेस मार्क्स दिए जाने के बजाय अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। और विलंब कारित पेपर बटता है, विलंब कारित होता है, तुरंत ही उस जिले के जिला प्रशासन को इंटीमेट किया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद जाकर इस बात की तस्दीक करें कि पेपर कितने विलंब से बांटा गया और क्यों बांटा गया। इसके साथ ही विलंब कारित करने वालों को दंडित किया जाए। पेपर अगर विलंब से बटा है तो विलंब से बटने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, अन्यथा इस तरीके की परीक्षाओं में गफलत निरंतर होती रहेगी और भविष्य में भी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जो सिलसिला अनवरत चलता आया है वो अनवरत चलता रहेगा, उसे शायद ही थामा जा सके। लिमटी की लालटेन के 653वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सब खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 654वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।